का खेल है सारा कि शरीर को काबू में करने के लिए दिमाग से तो खेलना ही पड़ेगा। और डॉक्टर बीआरसी के पेशेंट मतलब उनका सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं बट 20 दिन के अंदर अंदर मैंने उनकी डिजीज रिवर्स कर दी जस्ट विद द माइंड गेम। सो लेट मी प्रेजेंट माई पेशेंट्स टुडे। तो सत्य में सत्य तो आपने देखी है, आपने देखा अमिताभ बच्चन ने किस तरह से एक चाकू दिखा के रंजीता को कुर्सी से उठा दिया। तो व्हाट वाज दैट, दैट वाज द माइंड गेम। मेरे साथ ये लाइन भी हुआ, हम लोग सोमनाथ के मंदिर में गए थे तो मेरे अंकल है वो ढंग से चल नहीं पाते थे तो हमको अपनी चेयर पे बिठा के मंदिर में घुमा रहे थे। तो हम लोग सब चाय पीने गए तभी सामने से एक गाय आई तो वो डर के मारे भाग के इतना दूर जाके खड़े हो गए। जो आदमी चल भी नहीं पा रहा है अगर उसको हम ऐसे करें तो फर्स्ट क्लास हो जाता है। इसकी वाइफ संगी है थोड़ा सा, 3 दिन तक मुझे उसने परेशान करा, मैडम सास में आ रही, मैडम अंकुर ऐसे बैठा रहता है, मैडम कुछ तो कर दो कुछ तो कर दो। मैं आ रही भाई 3 दिन से सोने नहीं दे रही। और मैंने कहा साक्षी को निकाल कमरे से बाहर, कमरा बंद कर, लैपटॉप को सनी लियो नहीं चला। अब भाई 15 मिनट बाद ये लड़का यहाँ बैठा हुआ है देख लो। नहीं कुछ पीजी है, कुछ पीजी ने बोला प्यार किया दिल भी नाचने लगा इनका, ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं।
मैं वहां जब गया था तो मैं व्हील चेयर पे था, मुझसे चला नहीं जाता था, खड़ा नहीं हो पाता था मैं। वहां मैं गया, मेरा इलाज वहां चालू हुआ, तो मेरी वहां 3 फरवरी को पहली डायलिसिस हुई। उसके बाद 8 दिन तक मुझे किसी भी डायलिसिस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। और मैं उससे पहले मेरी हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रही थी, हफ्ते में 2 डायलिसिस चल रही थी मेरी लगातार। मगर वहां मैं 40 दिन जब रहा तो मेरी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती चली गई। और फिर उसके बाद मैं जब वहां से आया तो बीआरसी सर की टीम ने मुझे ऑनलाइन फॉलो किया, और 4 अप्रैल 2022 को मैं नमिता मैम के ग्रुप में ऐड हुआ। वहां से मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ा, उन्होंने इतना इंक्रीज किया, उनका तरीका इतना अच्छा था कि वो कहती थी कि आप नाचिए कूदिए खेलिए खुश रहिए, आप सुबह 4 बजे उठना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, जमीन से जुड़ना, सूर्य में बैठना। उन्होंने इतना इंक्रीज किया कि एक दिन उन्होंने यह डिसाइड किया, घोषणा की कि जो सबसे पहले अपनी रिपोर्ट्स नॉर्मल लाएगा मैं उसे आईफोन गिफ्ट करूंगी। बस ये सुना, जुनून सवार हो गया सर पे, और खूब लगन से DIP डाइट, हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टेल, ये मैं खूब अपना दिन निश्चय हॉट वाटर इमर्शन DIP डाइट और हेड डाउन टेल अपना खूब लगन से की। और आज इस उपचार से 14 अप्रैल को मेरी लास्ट डायलिसिस हुई है, तब से अभी तक मेरी कोई डायलिसिस नहीं हुई। और इस उपचार से मेरा हीमोग्लोबिन 5.2 से 8.2 हो गया, क्रिएटिनिन 11.9 से 75.7 हो गया, और यूरिया 121 से 79 हो गया। और मैं इतना खुश हूँ कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ। बस मुझे भी लगता है कि हल्की फुल्की खांसी जुकाम है मुझे, और बस मैं इस बीमारी को यही मानता हूँ। तो थैंक यू।